उदाहरण दो, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक 2 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आकार ज्ञात कीजिए। लेंस का आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। उदाहरण दो, हल। प्रश्नानुसार हमें यहाँ पर एक उत्तल लेंस दिया गया है। इस उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र O है। लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु AB है, जिसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, और साथ ही हमें लेंस की फोकस दूरी दी गई है जो कि 10 सेंटीमीटर है। वस्तु से आपतित किरण जो है उसका, यह एक आपतित किरण यह दिख रही है जो अपवर्तित होकर हमें यहाँ प्राप्त हो रही है, साथ ही एक जो दूसरी आपतित किरण हमें दिखाई दे रही है वो प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजर रही है, और अपवर्तन के पश्चात ये दोनों किरणें इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं जहाँ हमें B'A' प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। उदाहरण दो, हल। प्रश्नानुसार हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक उत्तल लेंस हमारे पास है जिसका प्रकाशिक केंद्र O है। उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु AB है, जिसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। वस्तु से यह हमें एक आपतित किरण दिखाई दे रही है जो कि अपवर्तित हो रही है यहाँ पर, और उसी प्रकार दूसरी आपतित किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजर रही है। इनके अपवर्तन के पश्चात ये दोनों अपवर्तित किरणें A' बिंदु पर मिलती हैं, और इसीलिए हमें यहाँ पर B'A' प्रतिबिंब वस्तु का प्राप्त हो रहा है। हमें वस्तु की स्थिति, प्रकृति, आकार और आवर्धन क्षमता ज्ञात करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम वस्तु की जो दूरी है उसे लिख लें। प्रश्न में दिया गया है वस्तु की दूरी जो है वो 15 सेंटीमीटर है, पर उत्तल लेंस में है इसलिए हम इसे लिखेंगे -15 सेंटीमीटर कार्तीय निर्देशांक पद्धति के अनुसार, क्योंकि यह मूल बिंदु से हमें किस ओर दिखाई दे रहा है, बाईं ओर, मूल बिंदु के बाईं ओर है, तो उसे हम कैसे लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी प्रश्न में है 10 सेंटीमीटर, उत्तल लेंस के लिए है तो ये होगी धनात्मक। अब हमें ज्ञात करना है V, तो हम उपयोग करेंगे लेंस के लिए जो फोकस दूरी का सूत्र है उसका उपयोग करेंगे। लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र वह हमारे पास होगा 1/F बराबर 1/V ऋण 1/U। F और U का हमारे पास किसका मान है, F और U का, हम उसका मान रख देते हैं F तथा U का मान रखने पर। F का मान 1/F यानी कि 10, 1/V ऋण 1/U की जगह हमें रखना होगा ऋण 15। चलिए इसे आगे हल करते हैं, पक्षांतर कर लें हम, या फिर 1/10 बराबर, पहले इसे हल कर लेते हैं, यह भी ऋणात्मक है, यहाँ भी ऋण का चिन्ह है, तो हमें मिलेगा -1/15। हमें V का मान प्राप्त करना है तो पक्षांतर कर लेते हैं। पक्षांतर करने पर हमें मिलेगा 1/V बराबर 1/10 ऋण 1/15। इसे हल करने के लिए लघुत्तम समापवर्तक का साथ की सहायता से हमें क्या मिल जाएगा, 30, और फिर हल करेंगे तो हमें मिलेगा 3 ऋण 2, 1/V बराबर 1/30। चलिए आगे हल करते हैं। हमें समीकरण प्राप्त हुआ था 1/V बराबर 1/30, यानी कि V बराबर 30 सेंटीमीटर। तो अब हम कह सकते हैं कि लेंस से प्रतिबिंब की दूरी
कितनी है? 30 सेंटीमीटर है। और V का मान, V का जो धनात्मक मान हमें मिल रहा है वह क्या बता रहा है कि प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक और साथ ही साथ उल्टा होगा। V का धनात्मक मान वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब को दर्शाता है। अब हमें वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति, उसके आकार को भी ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमें लेंस के आवर्धन, रेखीय आवर्धन को ज्ञात करना होगा। लेंस का रेखीय आवर्धन, उसका सूत्र क्या है हमारे पास? रेखीय आवर्धन m बराबर होगा h डैश बटे h, यानी कि वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। पुनः लेंस का रेखीय आवर्धन m बराबर h डैश बटे h, और हम यह भी जानते हैं कि यह मान किसके बराबर होता है? v बटे u के। जो रेखीय आवर्धन है उसका मान v बटे u भी होता है और h डैश बटे h भी। चलिए इसका मान हम रखते हैं कि एच डैश बटे एच और वी बटे यू में हम यू, वी तथा एच का मान रख लेते हैं। इसमें जब हम इसका मान रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एच डैश बटे एच, यानी कि जो वस्तु की लंबाई हमको दी गई थी वो कितनी है? 2, बराबर वी अभी हमने ज्ञात किया यह है 30 सेंटीमीटर, और u का मान हमारे पास है -15। आगे हल करते हैं। हमें जो समीकरण प्राप्त हुआ था वह है h डैश बटे 2 बराबर 30 बटे -15। यहाँ से हम h डैश का मान प्राप्त कर सकते हैं। h डैश बराबर हो जाएगा 30 गुणित 2 बटे -15, और हमें मिलेगा h डैश बराबर -4। चलिए आगे हम रेखीय आवर्धन m का मान प्राप्त करते हैं v बटे u की सहायता से। पुनः हम जानते हैं कि लेंस का रेखीय आवर्धन m बराबर v बटे u भी होता है। तो m बराबर v का मान हमारे पास है 30 और u का मान है -15, इसलिए m हमें कितना मिलेगा? -2। अब हम देख सकते हैं कि h का मान, h डैश का मान, m बराबर -2। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास h डैश का मान जो आ रहा है वो भी ऋणात्मक है और m का मान जो आ रहा है वह भी ऋणात्मक है। तो यहाँ m तथा h डैश के मान का ऋणात्मक चिन्ह उल्टा तथा वास्तविक, उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब को दर्शाता है। अतः एक वास्तविक उल्टा तथा वास्तविक उल्टा तथा इसकी लंबाई कितनी होगी प्रतिबिंब की? हमें कितना मिला है h डैश? 4 सेंटीमीटर। तो इसकी लंबाई जो हो गई वह हो गई 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब
लेंस से हमें v का मान कितना प्राप्त हुआ था? 30, यानी कि वह लेंस से कितनी दूरी पर है? 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। साथ ही प्रश्न में लेंस का आवर्धन भी ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो हमने देखा कि वस्तु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर और उसके प्रतिबिंब की ऊंचाई हमें प्राप्त हुई है 4 सेंटीमीटर। तो यह प्रतिबिंब वस्तु से कितना आवर्धित हुआ? 2 गुना ज्यादा आवर्धित है। इस प्रकार प्रश्न हल हुआ। यहां M तथा H डैश के मान का ऋणात्मक चिन्ह उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब को दर्शाता है। अतः एक वास्तविक उल्टा तथा 4 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। यह प्रतिबिंब वस्तु से 2 गुना ज्यादा आवर्धित है।